मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम जी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि जी नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है प्रेम संबंधों के मामले में, अगस्त और सितंबर का महीना आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा। यहाँ पर प्रेम संबंधों के मामले में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और अक्टूबर के महीने में प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। हालांकि अक्टूबर के महीने में आपका रोमांस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आप देखेंगे कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई मुलाकात भी कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद भी हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं और पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में। अगस्त और सितंबर प्रेम संबंधों के मामले में बेहतर रहेगा। वहां पर आप देखेंगे कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि आप में तनाव की अधिकता इस समय बनी हुई है और तनाव के कारण कोई ऐसी बातें अपने साथी के साथ ना करें जो कि वाद विवाद का रूप ले लें, क्योंकि आपकी वाणी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है अगस्त से लेकर अक्टूबर तक तीनों महीने में। यहाँ पर आपकी वाणी के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, शंकाएं आप में बनी रहेंगी, गलतफहमियां बनी रहेंगी। इसलिए प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आप अपने साथी के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें। अगस्त सितंबर आपका बेहतर निकल जाएगा और अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा तालमेल बना लेंगे तो फिर प्रेम संबंधों के लिए तीनों महीने आपके बेहतर हो जाएंगे। सिंगल लोगों की बात करें तो ये जो तीन महीने हैं सिंगल लोगों के लिए, अगर हम बात करें कि अगर आप साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। अगस्त और सितंबर ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है और अक्टूबर के महीने में उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप प्रयास कर सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं, अपने साथी के साथ मित्रता को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखकर आप चलें, इस समय जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा थोड़ा मुश्किल है। इसलिए पहले अपने साथी के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, जांच परख कर ही आप प्रस्ताव दें, मित्रता का हाथ बढ़ाएं, तभी आपके लिए अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। जिन लोगों के प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहे हैं, यानी कि आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आपका प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए और आपका साथी दोबारा से प्रेम में वापस आ जाए, तो वहां पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। वहां पर भी अगस्त और सितंबर ज्यादा बेहतर अच्छे परिणाम दिखाएगा। वहां पर आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें, आपका साथी मान सकता है और दोबारा से आपके प्रेम संबंध सामान्य हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन समाप्त हो सकती है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा और अगर आपने गलती की है तो आपको सॉरी बोलने में भी पीछे नहीं रहना चाहिए और अगर आपने अपने साथी से कोई बातें छुपा रखी हैं तो वो भी बताना आवश्यक होंगी, तभी आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। प्रेम संबंधों में इस समय ऐसा समय है जब आपका साथी आपके बारे में जानना चाहेगा और अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह हैं तो वहाँ पर फिर आप देखेंगे कि वाद विवाद भी आपके हो सकते हैं। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यस लेटर से शुरू होता है, जी लेटर से शुरू होता है, के लेटर से शुरू होता है या फिर आर लेटर से शुरू होता है तो आप देखेंगे कि जो मैंने परिणाम बतलाए हैं इससे अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंधों में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यश नाम वाले लोगों के लिए अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।
रहेगी और अगस्त और सितंबर में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर के महीने में वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। आपकी कोई ना कोई यात्रा इन तीन महीनों में आपके जीवन साथी के साथ हो सकती है। यात्रा के दौरान आपके संबंध मजबूत होंगे और अगर वैवाहिक संबंधों में कोई भी छोटे मोटे मतभेद चल रहे हैं तो आप उन्हें तीनों महीने समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपके मतभेद नहीं समाप्त होते हैं तो आप यात्रा के दौरान अपने साथी के साथ बातचीत करें, आपके मतभेद समाप्त हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो ये जो तीन महीने हैं उसमें जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का रहेगा। लेकिन वहाँ पर आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अहम पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ पर आप में अहम की भावना ज़्यादा रहेगी और आपने अगर अपनी अहम की भावना को ज़्यादा रखा तो आपका साथी दोबारा से वैवाहिक संबंधों में सामान्य नहीं हो पाएगा। और अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, यानी आपके विवाह से अलग भी कोई संबंध है, तो वहाँ पर भी संबंधों में मधुरता बनना मुश्किल है, क्योंकि आपके जीवन साथी को इस समय पर ये बातें पता चल सकती हैं और वहाँ पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि वैवाहिक संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है और अपने साथी के साथ मतभेद समाप्त करते समय, उसको मनाते समय आप में अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। बाँडी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, सकारात्मक परिणाम मिल पाएंगे और वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर हो पाएंगे। और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन वहाँ पर अगर आपने कोई भी बात विवाद किया, कोई भी ऐसी बातें की जो आपके ससुराल पक्ष वाले लोगों को अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फिर वाद विवाद ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वहाँ पर कोई भी छोटी छोटी बातें आप बड़ी ना होने दें, तभी आपके लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में थोड़ा सा आपको संयमित रहना होगा और अपने साथी के साथ ईमानदार रहना होगा, इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध दोनों जगह आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि कोई भी ऐसी बातें ना हों जिससे कि आपके साथी के साथ आपके वाद विवाद हों, क्योंकि ये जो तीनों महीने हैं आपके अंदर तनाव की अधिकता बनी रहेगी, जिद की अधिकता बनी रहेगी और क्रोध भी ज़्यादा रहेगा। अपने जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्रोध को ज़्यादा ना करें और किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले, चाहे प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, अपने साथी को भी सुने, तभी आप प्रतिक्रिया दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम जी नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में मिल सकते हैं। चलिए जी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो आप शनिवार वाले दिन काली गाय की सेवा करें, यानी काले कलर की कोई गाय है तो उसको कुछ न कुछ खाने को दें। और अगर काले कलर की गाय नहीं मिलती है तो आप किसी भी गाय की सेवा करें, यानी गाय को खाने को दें। कुछ नहीं दे सकते हैं तो आटे की लोई खिलाएं, आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रत्येक शनिवार को करें, पूरे तीनों महीने करें। और दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि बुधवार वाले दिन गाय को ही आप हरा चारा खिलाएं, और हरा चारा अपने हाथों से खिलाएं। और अगर हरा चारा नहीं खिला सकते हैं तो मंगलवार की शाम को 5 मुट्ठी मूंग साफ पानी में भिगो कर रख दें और बुधवार वाले दिन सुबह आप अपने हाथों से निकाल कर गाय को खिला दें। तो ये उपाय आप मित्रों तीनों महीने करते रहें और देखेंगे आप बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मित्रों आज मैंने आपसे जी नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।